हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस पे कंप्लीट गाइड फ्लटर के अंदर। हाल ही में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अधिकतर लोगों ने वोट किया था कि एनिमेशंस पे बनाएं, बिकॉज एनिमेशंस ज़्यादातर लोगों को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि वो बिकॉज मे बी वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं या फिर थोड़ा डीप डाइव सोचते हैं कि एक्चुअली में एनिमेशन वर्क कैसे करती है वगैरह। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बेसिक फाउंडेशन रख दूंगा आपकी एनिमेशंस के लिए, जिसमें आप हर प्रकार की एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने का आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। एंड इनफैक्ट वी विल हैव अ कपल ऑफ लाइव डेमो सो दैट कि आपको ये जो एनिमेशन है फ्लटर के अंदर, ये किसी भी प्रकार का एक बाउंड नहीं लगे जब आप अपने फ्लटर ऐप बना रहे हो। ओके, सो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ओके, सो अब हम एनिमेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि आखिर एनिमेशन है क्या, व्हाट इज़ एन एनिमेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने को एनिमेटेड तभी लगती है जब वो चीज़ मूविंग हो। एंड जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो बेसिक फाउंडेशन है एनिमेशंस की, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं कि जो इमेज है उसको कंटिन्यूअसली मूविंग दिखाते हैं। वो कैसे कि मान लो ये एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय की इमेज है एंड इसकी हमने 8 अलग अलग इमेजेस ले लिए जिनमें थोड़ा बहुत स्लाइट डिफरेंस है। ओके, सो अब वन से लेके इमेज वन से लेके 8 तक अगर आपको मैं 1 सेकंड में कंटिन्यूअसली चेंजिंग दिखाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बॉय है ये मूविंग है, ये बॉय चल रहा है। बट रियलिटी ये है कि दीज आर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो कि आपको लगातार जल्दी जल्दी चेंजेस के साथ में, जल्दी जल्दी कम टाइम में जल्दी जल्दी दिखाने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चल रही है। जैसे कि हम बचपन में भी बनाते थे कि एक कॉपी में एक साइड पे हमने कोई इमेज बना दी और हर पेजेस पे वो बनाते जाते, एंड जब हम उसको एक कॉर्नर से पकड़ के फास्टली स्लाइड करते तो ऐसा लगता कि वो चल रही है चीज़ें। वो सेम आइडिया या वो सेम एल्गोरिदम हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी यूज़ करते हैं। इसी चीज़ के बेस पे हम बोलते हैं ना कि कितने फ्रेम्स पर सेकेंड है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, दिस वीडियो इज 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, ऑल दो द स्क्रीन इज नॉट चेंजिंग बट स्टिल। ओके, सो मैक्सिमम वीडियोज यू वॉच आर 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 60 अलग अलग इमेजेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ताकि एक आपको एक स्मूथ इंटरफेस मिले देखने के लिए। सिमिलरली फोन्स के अंदर भी अपन बात करते हैं, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोज आर ऑल्सो द सेम थिंग। ओके, कि 1 सेकंड में फोन का जो स्क्रीन है वो कितनी बार अपडेट होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को स्क्रीन पे कुछ अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लटर में एनिमेशन बना रहे हो और आपको स्क्रीन पे कुछ अपडेट करना है, तो उसको अपडेट करने के लिए आपको स्क्रीन को रेंडर करना पड़ेगा। और अगर आप स्क्रीन को रेंडर करोगे, सो दैट माइट टेक सम कंप्यूटेशनल पावर, दैट माइट टेक सम टाइम। अब क्या फ्लटर इतना एफिशिएंट है कि 1 सेकंड में 60 बार उस फ्रेम को चेंज कर सके या 1 सेकंड में 60 बार उस फ्रेम को अपडेट कर सके? क्योंकि एक विजिट को अपडेट करने के लिए भी आपको सेट स्टेट को ऑन करना पड़ता है एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपने सीखी होंगी मेरी फ्लटर प्लेलिस्ट के अंदर, और उसके अलावा भी आपने सीखा होगा। इसका आंसर है सिंपली येस, बिकॉज एनिमेशन तो होती ही है फ्लटर में, इसका मतलब फ्लटर एफिशिएंट है उतना। एंड एक्चुअली फ्लटर एफिशिएंट है बिकॉज फ्लटर जिस नेटिव बाइंडिंग पे बना है, नेटिव मॉड्यूल्स पे बना है, उसके ऊपर एक लेयर है जस्ट फ्लटर। ओके, सो फ्लटर इज एफिशिएंट इनफ एंड इवन जो और टेक्नोलॉजीज हैं वो सभी एफिशिएंट हैं एनिमेशंस को शो करने में। उनके बीच में अगर कंपटीशन हो सो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। ओके, बट फ्लटर एफिशिएंट है आपके स्क्रीन को रेंडर करने के लिए, दिस इज द सिंपल आंसर। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि अच्छा, अगर एनिमेशंस हमें पता चल गया एनिमेशन क्या है, फ्लटर भी एफिशिएंट है, तो अब एनिमेशन कितने टाइप की होती है? सो बेसिकली दो ब्रॉड टाइप्स हैं एनिमेशंस के फ्लटर के अंदर या जनरली भी, कि एक है ड्राइंग बेस्ड एनिमेशन और एक है कोड बेस्ड एनिमेशन। पहले अगर मैं ड्राइंग बेस्ड एनिमेशन की बात करूँ, तो आपको पता है कि जो एनिमेशंस में आपको कुछ आर्ट वर्क है या फिर जो एनिमेशंस को आप डायरेक्टली कोड के थ्रू सोच नहीं सकते इम्प्लीमेंट करने का, जिसके लिए आपको कुछ ड्राइंग चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफिक वर्क चाहिए, आर्ट वर्क चाहिए, वो एनिमेशंस ड्राइंग बेस्ड कहलाते हैं। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो रूम्स जो है एक हाउस के अंदर वो चेंज होते हुए हमने एनिमेशन में दिखा रहे हैं, जो कि एक यूजर के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा है। लेकिन आप इस सेम एनिमेशन को, जो ये हाउसेस की जो डिजाइन है, इसको आप कोड से इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्टली नहीं सोचेंगे। वेदर यू वुड प्रिफर कि आप इसको ग्राफिक को बनाएं एंड फिर उस हिसाब से एनिमेट करें।
इस चीज के लिए हमें अलग अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह भी मिलती हैं, जैसे कि फ्लेयर हो गया, राइव है। ये आपको प्रोवाइड करती है एक प्रॉपर वेब इंटरफेस जहाँ पे आप इन ग्राफिक आर्ट को बना सकते हो, और फिर उसके बाद में इसको एज अ प्लग इन अपने फ्लटर ऐप में यूज कर सकते हो। ये एक डिफरेंट पार्ट है, और इसको हम मोस्टली मतलब एज अ बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं ऐप में। बट इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, आप मुझे बता सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में या वीडियो के कमेंट में कि इस पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट यूज इट ऑफन। वो अलग बात है। एंड इस पे आपको यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज मिल जाएंगी बाय द वे। ओके, अब हम बात करते हैं कोड बेस्ड एनिमेशंस की। अगर हम कोड बेस्ड एनिमेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें दो टाइप की एनिमेशंस मिलती है, एक है इम्प्लिसिट एनिमेशंस एंड दूसरी है एक्सप्लिसिट एनिमेशंस। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है, और हम दोनों को डीपली थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट एनिमेशंस की। इम्प्लिसिट एनिमेशंस आर बेसिकली द सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट इन फ्लटर। इम्प्लिसिट एनिमेशंस में ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं वो अंडर द हुड हो रही हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद वेरी माइन्यूट चेंजेस इन योर करंट कोड बुक। ओके, दीज आर द विजेट्स विच आर इनबिल्ट विजेट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय फ्लटर टू इम्प्लीमेंट इम्प्लिसिट एनिमेशंस, जैसे कि एनिमेटेड अलाइंग हो गया, एनिमेटेड कंटेनर, एनिमेटेड ओपेसिटी एंड एनिमेटेड पैडिंग, आई गेस देर इज अ टाइपो, सो एनिमेटेड पैडिंग एंड एनिमेटेड पोजिशन एंड मच मोर। सो देर आर कपल ऑफ इनबिल्ट इम्प्लिसिट एनिमेशन विजेट्स आर अवेलेबल इन फ्लटर। आई गेस वी शुड हैव अ लाइव डेमो ऑफ इट सो दैट हम इसको अच्छे से समझ पाएं कि कैसे इम्प्लिसिट एनिमेशंस को हम कोड करेंगे और ये कैसा आउटपुट देगी और कैसे वर्क करती है। ओके, यहाँ पे इन सभी के जो भी लाइव डेमो मैं दे रहा हूँ, इन सभी के डार्ट पैड के लिंक और इनका कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेफरेंसेस सेक्शन में। आप एक बार देख लें, और जो भी पूरी वीडियो के टाइम स्टैम्प्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, ये मेरे गिटहब की गिस्ट है, यहाँ पे मैंने इम्प्लिसिट एनिमेशन वाला फाइल खोला और इसके अंदर ये बेसिकली द कोड है, और इसी के ऊपर यहाँ पे है चेकआउट लाइव डेमो ऑन डार्ट पैड। लेट्स चेक इट आउट। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली रन इन अ सेकेंड। ओके, ये कोड मैंने लिखा है इस एनिमेशन को शो करने के लिए, एंड मैंने वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को चूज करा है एज अ इमेज। दिस इज शिनचैन। ओके, अब एक बार हम इस चीज को समझते हैं कि जैसे ही मैंने इस बटन पे टैप किया, ये एक एनिमेशन शो हुई। लेट मी सिंप्लीफाई दिस एनिमेशन फर्स्ट, बिकॉज थोड़ा सा आपको समझने में भी इजी रहेगा, फिर हम कोड को लिख के भी देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे हमने पूरी एनिमेशन को बनाया है। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने इस बटन पे टैप किया, शिनचैन की इमेज स्लोली ग्रेजुअली साइज इंक्रीज हुआ। इसको इसने हमें दिखाया, एनिमेशन से हमें ऐसा फील हुआ कि दिस सम इमेज इज ग्रोइंग, बट इन रियलिटी वी नो कि एक्चुअल में इमेज ग्रो नहीं हो रही है, इमेज का साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस इमेज को एक बड़े साइज के साथ में। ओके, और उसको उसके हिसाब से स्क्रीन रीरेंडर हो रहा है, और ये इतने फास्ट हो रहा है कि अपने को ऐसा फील हो रहा है कि ये इमेज का साइज जो है वो बढ़ रहा है या ग्रो हो रही है स्मूथली। ओके, अगर मैं इसी को वापस टैप करूंगा, ये वापस इमेज का साइज कम हो गया। अब एक बार थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, हमने कैसे कोड लिखा इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिक सा कोड है, ठीक है, जो कि पहले से काउंटर ऐप वगैरह में भी बना हुआ आता है। उसके बाद में हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अपने पेज के अंदर एक विजिट बनाया, जो कि जैसे कंटेनर हम यूज करते हैं वैसे ही एक विजिट है, एनिमेटेड कंटेनर, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डाल दी ड्यूरेशन। ओके, एक काम करते हैं, हम इसको शुरू से बना के देखते हैं, और मैं एक बार इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को ढूंढने में आसानी हो। ओके, एंड आई गेस इसको भी हम शुरू से बना सकते हैं। ओके, सो नाउ अब आप देखेंगे तो ये एक बेसिक सा सिंपल एम्प्टी ऐप है, इसमें अभी किसी प्रकार की कोई एनिमेशन नहीं लगाई गई है, ये एक ब्लैंक ऐप है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक विजेट यूज करेंगे, इनबिल्ट विजेट, जो कि है एनिमेटेड कंटेनर। ओके, इस एनिमेटेड कंटेनर के अंदर कुछ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है जो हमें डालनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्यूरेशन, कि एनिमेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना चाहिए, जो कि हम ड्यूरेशन में डाल देते हैं, लेट्स से सेकेंड्स में
1 सेकंड लगना चाहिए। अब इस एनिमेशन के अंदर जो कंटेनर होता है उसका एक चाइल्ड है, सो वो चाइल्ड होगा ये इमेज, ठीक है। इसके अलावा हम जो चेंज करने वाले हैं ओवर द टाइम इस एनिमेशन में क्या चीज़ एनिमेट होगी वो होगी इसके साइज। सो जो साइज है इनिशियली लेट्स से 100 है, और इसके अलावा जो साइज है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम 100 to 200 एंड 200 to 100। ओके, सो उसको चेंज करने के लिए हमें एक बटन भी बनाना है, तो हम बटन बनाएंगे एक, लेट्स से वी कैन यूज फ्लैट बटन आई गेस। ओके, सो अब इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी है वो है चाइल्ड, जिसमें हमने टेक्स्ट डाल दिया एनिमेट। ओके, और हमने एक ऑन प्रेस्ड कॉल बैक डाल दिया यहाँ पे। इस कॉल बैक में हमको इस एनिमेशन को ट्रिगर करना है, ठीक है। सो ट्रिगर करने के लिए क्या है कि हम एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे, जो कि लेट्स से बूल लार्ज हो गया, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियली रख दी फॉल्स, ठीक है, कि इमेज अभी लार्ज है या नहीं ये उस चीज़ को हैंडल कर रहा है स्टेट वेरिएबल। उसके बाद में हमने क्या करा कि सेट स्टेट के अंदर हम इसको इसकी जो बुलियन वैल्यू है इसको अपडेट करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। ओके, सो हमने कर दिया लार्ज इज इक्वल्स टू, ओके, सो यहाँ से हमने ट्रिगर कर दिया, जब भी बटन पे प्रेस करोगे अगर वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी। अब जैसे ही मान लो इनिशियली हाइट 100 थी एंड वैल्यू फॉल्स थी, सो हमने क्या करा कि वो ये हाइट दिखा दी। अब इसके अंदर हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा देंगे कि लार्ज अगर ट्रू है, यानी कि अभी बड़ी हाइट दिखानी है, तो हम 200 हाइट सेट करेंगे, नहीं तो 100 सेट करेंगे, एंड दैट्स इट। यहाँ पे ये कोड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो ट्रांजिशन जो है कि अगर 100 थी इनिशियली वैल्यू, फिर आपने सेट स्टेट करा और वो वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई 200 लार्ज की वजह से, कंडीशन की वजह से, तो जो एनिमेशन शो करनी है इस ड्यूरेशन के अंदर, जो साइज इंक्रीज करना है, वो सब चीज़ें अब एनिमेटेड कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ये हैंडल करेगा। सो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने इतना सा कोड लिखा है, लाइक वेरी माइन्यूट चेंजेस हमने करे हैं कंटेनर से एनिमेटेड कंटेनर में चेंज करने के लिए। अब अगर अपन इस एनिमेशन को ट्राई करेंगे, सो इट्स वर्किंग, ओके, ये देख सकते हैं। सो ये बेसिक तरीका है जिसकी मदद से हम इनबिल्ट इम्प्लिसिट एनिमेशन विजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एनिमेटेड कंटेनर है, वैसे ही एक होता है एनिमेटेड पैडिंग, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसको पैडिंग चेंज कर देंगे इसका, या फिर एक है एनिमेटेड ओपेसिटी। ओके, सो उसमें मैंने सेट कर दिया लेट से ओपेसिटी, अगर वो हो तो 0.2 दिखाए और बाय डिफॉल्ट और फाइनल 1 हो, बिकॉज ओपेसिटी 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन हम एक डिफॉल्ट हाइट भी इसकी इमेज की सेट करना चाहते हैं, आप वो 100 कर दी, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा अब इसमें विजिट यूज़ किया, एनिमेटेड विजिट। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी है वो 0.2 दिख रही है, मैंने इस पर टैप किया, ऑटोमेटिकली स्मूथली ये जो ओपेसिटी है ये चेंज हो रही है। सो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम वापस चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर और बात करते हैं कर्व्स के बारे में। सो व्हाट